कमेंट भी कर दूं, आज आपने देखा होगा मैं पहले से मैं किसी सरकार को कॉपी नहीं करते हैं। हमारी एक आदत है, अगर कोई वार करे तो हम उसको सामने हम उनको जवाब जरूर देते हैं। जो यहाँ पे एक झूठ फैलाया जा रहा था मेडिकल कॉलेज को लेके, अभी मेरे को किसी मित्र ने कहा कि वहां पे बोर्ड भी लगाया है, 148 करोड़ का कुछ ऐसा बोल रहे थे, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो मुझे मैसेज दिया, जबकि आज प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि 325 करोड़ रुपए इस मेडिकल कॉलेज के, तो ये झूठ का जो इनकी नींव थी, वो नींव जो है वो इनकी खोखली नींव। आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज देने का या मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने की अगर अनुमति देता है तो केंद्र सरकार देती है, लेकिन यहाँ पे जो झूठ फैलाया जा रहा था उस झूठ को आज उजागर हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिलान्यास किया और शिलान्यास के अंदर 4 मेडिकल कॉलेज का जो उल्लेख हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने खुद जो उल्लेख किया कि जो भी हमारे सांसद थे वो बार बार आके मेडिकल के बारे में बातचीत हमारे साथ में करते थे, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो व्यवस्था की अगर आपने बात कही तो मैं उस पर जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे कोई भी प्रोग्राम होते तो वो बड़े लेवल पे अच्छी जगह पे व्यवस्थित प्रोग्राम किए जा सकते हैं। अगर 325 करोड़ का प्रोग्राम प्रोजेक्ट है और उसके लिए वहीं पे साइट पे अगर टेंट डाल के वहां पे करते हैं और कई लोग अगर उसमें ज्वाइंट होते तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। हमारी कभी मानसिकता ये नहीं रहती है कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोके या किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दें, लेकिन आज आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे सम्मान्य ओटा राम जी को पुलिस ने जिस हिसाब से रोका, यहाँ पे आपने देखा होगा सम्मान्य तारा जी जो हमारी सबसे यहाँ की वरिष्ठ नेत्री है, प्लस विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रही हुई है, प्लस आपने देखा यहाँ पे कई सालों तक एक नीचे से ग्राउंड लेवल से कार्य करते हुए वो एमएलए के पद तक सुशोभित हुई है और आज भी इस उम्र में भी कार्य कर रही है, उनको अगर बैठक स्थल से ये कहना कि आप यहाँ पे यहाँ से प्लीज बाहर पधारे, ये मेरे लिए मेरे हिसाब से सिरोही के लिए सर्वजनक घटना है। जो प्रशासन ने की है वो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं कि ऐसी हरकत प्रशासन को एक तथाकथित नेता के कारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेता विचार अलग होने चाहिए, हमारे विचार अलग है, लेकिन हम जहां जनता की सेवा कर रहे हैं, जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अशोक गहलोत को भी इतना विश्वास है कि उन्होंने जो लिस्ट पकड़ाई है उस लिस्ट में वो उनपे भरोसा करते कि ये कार्य करेंगे, तो ऐसा ही यहाँ पे रहना चाहिए। आज आपने देखा होगा जब हम अंदर बैठे हैं तो कांग्रेस के हमारे मित्र हरीश चौधरी जो अंदर आए, हमने उनको भी कहा हरीश जी आइए, अनाराम बोराड़ा साहब जो पूर्व प्रमुख है, हमने उनसे भी कहा आइए बोराड़ा साहब, तो पूर्व में प्रमुख रहे हुए और यहाँ पे लोगों की सेवा की है, अगर ऐसे वरिष्ठ लोग आके 4 लोग अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं या 10 लोग प्रोग्राम को देखते हैं या 1000 लोग प्रोग्राम को देखते हैं तो कोई प्रोग्राम की घिसाई नहीं होती। वो अपने मारवाड़ी भाषा में कहने के लुगड़ो धोने दे घसाई, इस रीते कोई घसाई नहीं होती है, पर इनको डर था, इनको डर ये था कि ये सारा का सारा जो विषय है आज मोदी जी बोलेंगे और मोदी जी के बोलने के बाद में उजागर हो जाएगा, इनका झूठ का पुलिंदा फट जाएगा, इनके इन्होंने जो यहाँ पे एक भ्रम जाल फैलाया कि मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की देन है, वो इनका पिस्लिम टूट जाएगा, इसलिए इन्होंने इस प्रोग्राम को शॉर्ट करने की कोशिश की। और इसमें प्रशासन ने जो इनका सहयोग किया है, मुझे बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ता है कि प्रशासन को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। आज जैसे आप आए मित्र, उसके पहले मैंने एक चर्चा की थी, हमारे यहाँ पे 20 पेपर के या मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी बंद हुए उसमें 2 बंद और ऐड हो जाते तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उल्टा वो 2 बंद हमारी बात लेके जाएंगे तो वो आगे उस बात को व्यवस्था को रखेंगे। ये विषय ब्रॉड माइंड से चलना चाहिए, जैसे मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ देश की जनसंख्या, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं मेरे 303 एमपी जो जीत के आए हैं उनको जिन्होंने जिताया है उस संख्या का कभी उल्लेख नहीं करते, वो पूरे देश का उल्लेख करते हैं। जैसा उन्होंने कहा राजस्थान के अंदर 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि राजस्थान में जो भाजपा से जुड़े हुए उनको वैक्सीन लगे। ये महानता होती है, ऐसी महानता जो बीजेपी दर्शा रही है, कांग्रेस जो इस महानता को नहीं दर्शा रहा, कांग्रेस की बौखलाहट है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा इन शॉर्ट टाइम के अंदर कांग्रेस अपना पतन खुद कर रही है, जो पंजाब से शुरू हो चुका है और शायद
आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। जनता का जो रुझान भाजपा की ओर है, आपने देखा होगा जो मेरे मित्र तथाकथित बोलते थे उन्हीं मित्र के गढ़ के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज हमारा प्रमुख है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि सिरोही की जनता हमें प्रेम दे रही है, सिरोही की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई है, सिरोही की जनता चाह रही है कि अगले आने वाले चुनाव में तीनों तीन भाजपा के विधायक बनेंगे, वापस हम मोदी सरकार बनाएंगे और वापस ये विकास के जो आयाम है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अशोक गहलोत जी का जिक्र किया, उन्होंने एक निवेदन रखा था जालौर में मेडिकल कॉलेज खोलने का, और तो अब कैसे आपका उसके लिए प्रयास रहेगा? मैं इसमें भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर की मेडिकल कॉलेज की नींव हमने लोकसभा में रख दी है और इन शॉर्ट टाइम में मैंने ये शायद दो दिन पहले भी मेरे प्रेस में रिपोर्ट में भी मैंने कहा था कि हम जल्द ही जालौर में भी मेडिकल कॉलेज लाएंगे और जालौर को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी, ये मैं पूर्णतः आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।